हाय गाइस, तो फिर आज 25 दिसंबर है, तो आज हम जाने वाले हैं बांद्रा। वहाँ पे जो माउंट मेरी चर्च है वहाँ पे क्रिसमस का बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है, तो वो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। एक्चुअली 25 दिसंबर आज के दिन गॉड जीसस का जन्म हुआ था इसराइल में, बेथलहम जगह पे हुआ था। तो गॉड जीसस की बर्थडे की खुशी में ना सब लोग बहुत अच्छी तरह ये करते हैं, मतलब फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। तो बांद्रा में कुछ ज़्यादा ही अच्छी तरह फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, तो वो सब मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो अभी तकरीबन बज गए 5, तो उधर जाते जाते मुझे ऑलमोस्ट इवनिंग या फिर नाइट हो जाएगी, तो उस टाइम का जो नज़ारा रहता है वो देखने लायक रहता है, बहुत अच्छा नज़ारा रहता है। तो आप आगे इस वीडियो में देखते रहिए। हाय गाइस, फाइनली अभी मैं बांद्रा पहुंच चुका हूँ। अभी आज सीधा मैं जाने वाला हूँ माउंट मेरी चर्च। मैं रात के टाइम पे व्लॉगिंग कर रहा हूँ, इसका मतलब एक रीज़न इसके पीछे ये भी है कि बांद्रा का जो नज़ारा रहता है, जो ब्यूटीफुल नज़ारा रहता है रात के टाइम पे, जहाँ पे लाइटिंग्स वगैरह लगी हुई रहती है हर जगह पे, तो वो नज़ारा मैं आपके साथ शेयर कर पाऊँ। अगर मैं दोपहर में या फिर सुबह को यहाँ पे आता था तो वो वाला मोमेंट मैं मिस करता था। इसके लिए मैंने सोचा कि रात के टाइम पे जाऊँगा तो मैं माउंट मेरी चर्च भी आपको दिखा पाऊंगा, यहाँ पे मतलब बांद्रा में किस तरह का डेकोरेशन किया हुआ रहता है। अब यहाँ पे जो देख रहे हो गाइस, ये हम लोग माउंट मेरी के एंट्रेंस पे आ चुके हैं। जैसे ही हम यहाँ पे सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर आते हैं, यहाँ पे लोग मोमबत्ती जलाते हैं जीसस के लिए। इसके अलावा आप ये नज़ारा देख सकते हो गाइस, रात के टाइम पे ये नज़ारा बहुत ब्यूटीफुल लगता है। और यहाँ पे इन लोगों ने ऐसा सेंटा बनाया हुआ है। तो इसी ब्यूटी के बारे में गाइस मैं आपसे बात कर रहा था कि मतलब रात के टाइम पे आने के बाद ऐसा नज़ारा मतलब बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज़ अगर मॉर्निंग में या फिर दोपहर में आते हैं तो उस टाइम पे यहाँ पे मतलब पूरा ये रहते हैं, उजाला रहता है, तो लाइटिंग इतना इफेक्टिव नहीं दिखता है। तो आप लोगों को और ज़्यादा दिखाऊंगा मैं इस व्लॉग में। चलिए, ये जो नज़ारा है गाइस, ये एंट्रेंस का नज़ारा है, मतलब जब हम सीढ़ी चढ़ के ऊपर आते हैं तो एग्जैक्टली चर्च के नीचे की जगह का ही नज़र आएंगे। यहाँ पे मतलब ये आर्ट वर्क किया हुआ है, जिस टाइम पे मतलब जीसस का जन्म हुआ था उस टाइम पे मतलब जो एरिया था, जो लोकेशन थी, वो लोकेशन का इन लोगों ने हुबेहुब डेकोरेशन किया है। यहाँ पे आप देख सकते हो इस साइड पे इन लोगों ने घास दिखाई है, और इस साइड पे मतलब ये दिखाई है, मेंढरे दिखाए हुए हैं। यहाँ पे जीसस के फादर, यहाँ पे जीसस, और यहाँ पे जीसस की मदर है। मतलब बहुत अच्छा वर्क है यहाँ पे दिखाया है। अगर मॉर्निंग में अगर मैं आता था यहाँ पे तो ये सब नज़ारा मेरे को मतलब इतनी अच्छी तरह से नहीं दिखता था, क्योंकि रात के टाइम पे जो लाइटिंग रहती है उसका एक अलग ही ये रहता है, व्यू रहता है। हाय गाइस, फाइनल अभी यहाँ पे मुझे मेरे दो दोस्त लोग मिल गए हैं, आप इसे तो पहचानते रहेंगे, ये है सूरज और इसके लिए मेरे दोस्त आयशा। हाय। अभी हम लोग मिल गए अभी यहाँ से आगे जाने वाले लाइन से। अगर मैं आपको बताना चाहूँगा तो गाइस कितनी ज़्यादा पब्लिक है, मुझे लगा नहीं था कि इस टाइम पे इतनी ज़्यादा पब्लिक रहे, क्योंकि नाइट का टाइम है ना यहाँ पे। और जैसा मैंने आपको कहा था कि नाइट के टाइम पे जो मज़ा रहता है यहाँ पे आने का, जो नाइट व्यू रहता है गाइस, सच में एकदम ऑसम है गाइस। और अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्टॉल पे ये लोग अभी ये बेच रहे हैं, मतलब हर तरह के मास्क रहते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे सेंटा की टोपी भी है, तो
तो गाइस एक जगह पे हम लोग रुके हुए थे, तो वहाँ से हम लोगों ने, मैंने ये टोपी ले ली है, आप बताओ कैसी है। और मेरे भाई ने मास्क लिया हुआ है, अभी वो बैटमैन दिख रही है। वापस ले, गाइस दोनों भी ले, वापस ले, 50 वापस ले, इसका लिया हुआ है। तो बताइए कैसे लिया है मैंने। यहाँ पे लोग जगह जो देख रहे हो गाइस, यहाँ पे मतलब मोमबत्ती वगैरह मिलती है चर्च में देने के लिए। ये देखिए, अगर आपको अगर खाने के लिए कुछ लेना रहेगा तो आप इधर से ले सकते हो, प्रसाद करके सब मिलते हैं। तो गाइज अभी इतना लंबा सफ़र तय करने के बाद अभी हम लोग आ चुके हैं। अभी यहाँ से सीधा लाइन से जाने के बाद मैं आपको अंदर का नज़ारा दिखाऊंगा। चलो गाइस, चर्च में बहुत ज़्यादा भीड़ होने की वजह से मुझे अंदर का ज़्यादा मतलब दृश्य कैप्चर करने के लिए नहीं मिला, लेकिन जितना भी 5-10 सेकंड में मुझे मिल गया था मैंने वो कैप्चर कर लिया था। इसके अलावा अभी मैं आपको एक चर्च के सामने का एक नज़र आपको दिखाना चाहूँगा, बहुत विकेट गाइस, दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल। वीडियो में और रियलिटी में बहुत ज़्यादा फर्क रहता है। तो अभी अगर आप यहाँ पे पर्सनली अगर रहते तो आपको ये नज़ारा बहुत अच्छा लगता था। वाला नज़ारा गाइस एकदम इंसेंट नज़ारा है, एक नंबर नज़ारा है। मतलब अभी मैं तो सोच रहा हूँ ऊपर जाके छोटा सा वीडियो निकाल के आऊँ। तो अभी गाइस हम लोग ऊपर की तरफ जा रहे हैं यहाँ पे। और ये आसी माउंट मेरी चर्च का नज़ारा बहुत अच्छा दिख रहा है। चला सेल्फी का तेरा फिर पीछे ऑन कर दे। रोना बोल दो उसके बाद रोने के लिए, फोटो खींच जाएंगे फिर उसके बाद। हाय गाइस, तो अभी मैं और मेरे दोस्त लोग बहुत सारा एंजॉय कर चुके हैं। अभी हम चलते हुए जा रहे हैं स्टेशन, बांद्रा स्टेशन, क्योंकि हम लोगों को ऑटो नहीं मिल रही है। तो इस वीडियो में गाइस मैंने आप लोगों को मतलब सारा नज़ारा दिखा दिया है, ये बांद्रा के माउंट मेरी चर्च का और वहाँ पे जो फेस्टिवल हुआ था उधर का। तो अगर गाइस आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे इस वीडियो पे लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो गाइस अभी नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं, अभी आखिरी बार मेरे दोस्तों की शक्ल देख लो, ये देखो। तो चलो गाइस मिलते हैं, बाय।